एक सवाल बहुत ब्रीफली आपसे लेंगे बलवंत साहब, जाते जाते एक गिफ्ट पर टैक्स के यहाँ पर चर्चा की है इन्होंने। हनी हरियाणा से उन्होंने सवाल पूछा है कि इनका अच्छा अभी बेटा पैदा हुआ है, करीब एक महीने का है, उसके जन्म पर काफी सारे गिफ्ट्स मिले हैं जिसकी लगभग वैल्यू 3 लाख के आसपास है, टैक्स देनदारी क्या है एक तो आपसे जानना चाह रही है, और ब्रीफली इसको अगर ये FD में करती है टैक्स प्रोविजन जानना चाह रही है, क्या कुछ इसमें टैक्स कटेगा, TDS वगैरह, आप क्या सलाह देंगे? मतलब ऐसा है कि जो गिफ्ट वगैरह मिलती है तो वो रिलेटिव को छोड़ के है, 50,000 रुपये से अगर ज़्यादा है तो पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाती है। अगर ये जैसे गिफ्ट इनके बच्चे को मिली है तो ये हस्बैंड या वाइफ दोनों में से जिसकी इनकम ज़्यादा है उनमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि 50,000 से ज़्यादा है। पर उसमें 3 लाख की गिफ्ट में अगर इनके जो क्लोज रिलेटिव है, जैसे इनके या इनके हस्बैंड से ब्लड से रिलेटेड है या मैरिज से रिलेटेड है, उनसे जो गिफ्ट मिली है वो एग्जम्प्ट हो जाएगी। इसके अलावा जो गिफ्ट का मिला पैसा आप कहीं पर भी लगा सकती है, परंतु ध्यान रखने जैसी बात है कि उस पर अगर जैसे FD में लगाया, कहीं भी लगाया, उस पर जो इनकम आएगी वो भी उसी तरह पेरेंट्स दो में से एक पेरेंट की इनकम, जिनकी हायर इनकम है, उसमें क्लब होती रहेगी। तो गिफ्ट किससे मिला है वो भी मैटर करेगा, अगर रिलेटिव से मिला है तो उस पर कोई टैक्स देनदारी नहीं है, लेकिन अगर नॉन रिलेटिव है तो 50,000 से ऊपर में आपको टैक्स देना होगा। फिलहाल इतने ही सवाल शामिल कर पाएंगे बलवंत साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना कीमती समय देने के लिए।